हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? जयमा टैरो में आपका स्वागत है। जयमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, आज जयमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक कौन सा है? चलिए मैं थोड़ा सा आपको हिंट देती हूँ एक सॉन्ग के साथ। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रहेगा। जी हाँ, आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके जीवन में अंधेरा कब जाएगा। गाइस, आपकी लाइफ में आप एक ऐसे इंसान हो जो हर वक्त हर सबका भला चाहते हो, सबको कुछ ना कुछ देते हो, हर तरफ से अच्छे हो, लेकिन फिर भी जीवन में दुख है। चाहे वो कैरियर हो, चाहे रिलेशन हो, चाहे जो हो, दर्द भरा पड़ा है और हमेशा इन चीज़ों को सोचते हो कि ये अंधकार दुनिया जीवन से कब जाएगा। जब मैं इतना सबसे करता हूँ या करती हूँ, फिर भी मेरे जीवन में दर्द क्यों है? आपके जीवन में दर्द है, आंसू है, दुखी हो, रोते हो कभी किसी चीज़ के लिए, जब इतने अच्छे हो। अगर आप इतने अच्छे हो तो मैं सोचू यही कहूँगी कि जो भी इंसान इतना अच्छा है वो धरती पे भगवान का दूसरा रूप है। आप किसी को कुछ देते हो तो चाहना नहीं रखते, जितने मर्जी कठोर हो जाते हो, फिर भी जब कहाँ नियम और रूल रेगुलेशन की या किसी को दुखी देखते हो तो आपका दिल पिघलता है। तो आज की रीडिंग का टॉपिक यही है कि मेरे आपके जीवन से अंधकार कब दूर होगा। तो मैं ये बताऊं कि जीवन में अंधेरा दूर होगा, लेकिन आपको रीडिंग पॉजिटिव वे से देखनी होगी। ही शी सेम जेंडर सबके लिए है, कलेक्टिव और टाइमलेस है। जब जी चाहे देख लेना, कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर मिलेगी, रेजोनेट करेगी। हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए हो, और ये भी हो सकता है जब आप ये रीडिंग देखो उसके बाद आप इतने पॉजिटिव हो जाओ कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लौट आए। तो चलिए फर्स्ट कार्ड निकालती हूँ। डिवाइन टैरो कौन सा निकाल रहे हैं? द हैंग्ड मैन। जीवन कोरा कागज रह गया। जस्टिस। ऐसे लोग जो होते हैं जो किसी को देख के सिर्फ एक प्यार की चाहना रखते हैं, तब भी उनको नहीं मिलता कैरियर, जो कुछ नहीं मिलता, दुखी हो जाते हैं। क्वीन ऑफ फ्रेंड्स। सॉरी गाइस, इस बार शोर आ गया था। कुछ लोग ऐसे होते हैं सारा साल पढ़ते हैं तब भी पूरे सूरे मार्क्स आते हैं, और कुछ होता है चीटिंग करके भी अच्छे नंबर ले जाते हैं। तो जो सारा साल मेहनत करेगा वो तो यही सोचेगा भी कहाँ कमी रह गई, जो पढ़ता नहीं था वो तो आगे निकल गया। टू ऑफ वॉन्ड्स फायर साइन। लीजिए वाटर साइन द स्टार इज अवर का नाम। फाइव ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप ऐसे इंसान हैं तो ऐसे इंसान धरती में बहुत कम होते हैं। तो मैं अपनी जो नॉलेज के अनुसार बताऊं, ऐसे लोगों से दुनिया चिढ़ती बहुत है। लीजिए टेन ऑफ वॉन्ड्स। पहले फाइव ऑफ पेंटिकल अर्थ साइन, फिर फायर साइन, वाटर साइन, एस ऑफ कप्स। वेरी गुड। मेरे चलो पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज का अर्थ साइन। मैं सोच ही रही थी एयर साइन नहीं आया, वाटर साइन आ गया, फायर साइन आ गया, अर्थ साइन आ गया, एयर साइन नहीं आया। रीडिंग का जान होती है क्या? मैं आपको बताऊं, रीडिंग की जान होती है बॉटम, और बॉटम आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। जैसे ही गाइस रीडिंग का टॉपिक, वैसे ही बोटिंग। ये बॉटम बता रहा है कि आप कितने अंधकार में हो, कितने दुखी हो, कितने परेशान हो, और ऐसे दर्द भरी लाइफ से गुजर रहे हो। गाइस, हमारी रीडिंग का टॉपिक था कि जीवन में से अंधकार कब दूर होगा।
तो देखिए गाइस, ये बॉटम की तरफ, सबसे पहले आज बॉटम की तरफ ही चलती हैं। बॉटम है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी एनर्जी है। आप बहुत दुखी और परेशान हो, आप ऐसे हो कि हिम्मत आप टूट चुके हो। एक ऐसा इंसान जो पूरी तरह सब कुछ छोड़ के अपने गमों में डूबा हुआ है, गमों में डूबा हुआ है, किसी की चाह नहीं है और जीवन का अंधकार। तो ये देखिए, आपने आपकी लाइफ में शायद खाली आपने रिश्ते नहीं खोए, फाइनेंस खोया, अच्छे लोग खोए, अपनी एक ऐसी जिंदगी खोई। ये कार्ड बताता है कि आपका सब कुछ खोया है। आप बुरे नहीं थे, आप अच्छे थे, सबका करने वाले थे, फिर भी आपको ऐसा फेस करना पड़ा। हर दम स्ट्रेस में रहना, हर दम दुखों का सोचना, अकेले बातें करना, लाइफ में आगे का नहीं सोचना, पास्ट में ही जाना और अपने दिमाग पे स्ट्रेस जोर डालना, पुरानी बातों को ना भूलना। ऐसा चल रहा है आपका जिंदगी का अंधेरा। जिन चीज़ों को याद करते हो, जिस पर्सन ने आपको लाइफ में रिश्तों को लेके, आपको ये कार्ड आपके रिश्तों के हिसाब से आए हैं, रिश्तों को लेके आपको दुख दिया है या उसने आपकी कदर नहीं करी, वो है एक ऐसा इंसान हैंग्ड का, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना मस्त मौला, जो करेगा ईश्वर करेगा। प्यार आशिकी रिलेशन के टाइम पे ये खुद है, जब एफर्ट नहीं लगाने तो जो करेगा ईश्वर करेगा, ये ऐसे पर्सन है। आप इनसे बेपनाह मोहब्बत करते थे, रिलेशन में भी थे, लेकिन आपको न्याय नहीं मिला। न्याय के नाम पर आपको ये मिला और उसकी वजह थी थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी थी, आप एकदम गुपचुप होके आज भी उसी तरह बैठे हुए हो। यानी कि इतना सब कुछ होने के बाद आपने अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करी। आप गमों में अपने पास्ट की चीज़ों को सोचते हो, गमों में डूब जाते हो, और जब आपका दिल दुखी होता है, किसी को याद करती हो, तो सिर्फ आप अपने पर्सन को। और ये जैसा ही ये रीडिंग का टॉपिक है कि जिंदगी से अधिकार कब जाएगा, वही जस्टिस का कार्ड है कि न्याय कब मिलेगा। अधिकार, अंधकार जब जाएगा तभी न्याय मिलेगा, तभी अंधेरा जिंदगी से दूर होगा। न्याय मिलेगा, अंधेरा तभी जिंदगी से दूर होगा। ये सिर्फ गाइस वही पर्सन सोचते हैं जो हर एक का अच्छा करते हैं, कुछ पाने की चाहना नहीं रखते, अपना सब कुछ लुटा देते हैं, अपनी जिंदगी, आपका फाइनेंस, अपना तन मन, तो भी उनको नेगेटिव पॉइंट मिलते हैं। तो उनको लगता है हमारी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। हम अगर इतने अच्छे हैं तो हमें अच्छापन कोई दिखता नहीं, आगे से एक मीठे बोल भी नहीं है दो, तो वो फिर इंसान डिप्रेशन में, एंजाइटी में चला जाता है। तो अंधेरा कब जाएगा, थर्ड पार्टी की सिचुएशन है, जिसने रिश्ते खराब करे और ऐसे खराब करे कि खाली फैमिली डिस्टेंस, हर तरफ से तहस नहस, ड्रामेबाजी, ऐसा कर दिया कि इमोशनली डिस्टेंस भी है। आप अपने को अकेला समझते हो और अपने दुखों में डूबे रहना, गमों में डूबे रहना, ये आपकी लाइफ का एक हिस्सा बन गया है। लेकिन ऐसे थोड़े लाइफ निकलेगी, जिंदगी पड़ी है, जितनी है खुशी से गुजरनी चाहिए। उस बंदे ने आपको स्ट्रेस दिया, आपके पर्सन ने, और आगे चलते रहे। जैसे कि मैंने पहले कहा, प्यार मोहब्बत रिलेशनशिप जहाँ फायदा होता है वहाँ तो हम हैं, और जहाँ एफर्ट लगाने की बात आती है तो गोड पे छोड़ दिया। जब तब गोड पे नहीं भरोसा गया, तब दुनियादारी नहीं देखी, तो अब क्यों? वो इसलिए कि आपके पर्सन के बस के है नहीं। ये अपने आप में ही एक उलझन है, लेकिन आपको इस एनर्जी में छोड़ दिया, ये गलत है। अब आप अपने रिश्ते से, जैसे आप कह रहे हो कि जिंदगी से अंधेरा कब जाएगा, वैसे ही आप ईश्वर के आगे न्याय की तलाश कर रहे हो कि न्याय मुझे कब मिलेगा। सामने वाले ने थर्ड पर्सन की, मगर थर्ड पार्टी की मगर लग के आपके और अपने रिश्ते को तहस नहस कर दिया, और वो बंदा
तहस नहस करके आपसे अलग हो गया। कभी कभी आपके मन में कड़वाहट होती है, कभी कभी बहुत बुरा होता है, और अपने आप से सवाल करके चुपचाप बैठ जाते हो, आंखों में पानी भरकर। तो मैं ये बता दूं, रिश्ता कोई भी हो गाइस, ये मैं आपको पिछली रीडिंग में भी कहा था कि जब आप सामने वाले के ज़्यादा ऊपर कोई भी हो, ये नहीं कि खाली आपका ये पर्सन है, चाहे आपकी फैमिली मेम्बर भी हो, जब एक इंसान में कोई कमी होती है, हम दिल के हाथों मजबूर होकर किसी का ज़्यादा करते हैं तो किसी की कदर नहीं होती। ये कलयुग है, ऐसे रिश्ते जो होते थे पुराने टाइम में थे, वो सामने वाला सोचता पता नहीं क्या ज़रूरत है। जो बंदा एफर्ट नहीं लगा सकता, वो किसी भी रिश्ते में नहीं लगा सकता। आप इतने परेशान रहते हो, इतने दुखी रहते हो, हर वक्त यही सोचते हो कि न्याय नहीं मिलेगा मुझे, तो आपको न्याय मिलेगा, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया। जस्टिस का कार्ड यही बताता है कि रिश्ता भले ही जितना मर्जी खराब हुआ हो, आपको न्याय मिलेगा। या तो आपको इस पर्सन से न्याय मिलेगा, या आपकी लाइफ में कोई दूसरा इंसान आके आपकी ज़िंदगी को हील करेगा। आपके जो पर्सन है, टू ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है। ये देखिए, अगर आप अपना ध्यान, अपना सब कुछ बोकर बैठे हो, तो उनका ध्यान भी आपकी तरफ है। स्टोक करते हैं आपको, आपके सपनों में खोए रहते हैं, स्टोक करते हैं, ऑनलाइन चेक आपका प्रोफाइल देखते हैं, लेकिन आपके पास आने की हिम्मत नहीं करते। आपको पाने के लिए प्रे करते हैं, और अपने आप को ये पसंद अब हील कर रहा है, क्योंकि ये स्ट्रेस जो आपके सर पर है, वो अब इसके सर पे भी है। जो टेंशनें आपकी हैं, अब वो इसके पास भी हो गई हैं। जिस थर्ड पार्टी ने आपका जीना मुश्किल करा था, अब वो उसी तरह का है। अंदर से इनको कहीं ना कहीं ये द स्टार का कार्ड बता रहा है कि रियलाइज़ हुआ है कि जो करा इन्होंने आपके साथ गलत करा, इसलिए ये बंदा हील कर रहा है अपने आप को। हील करेगा, अपने प्रे करेगा, अपने आप को बदलने की कोशिश करता है, कर रहा है, और आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, बढ़ना चाहता है आपके ऊपर। देखिए, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कहता है कि फट से आपके पास आना चाहता है, और इस रिश्ते की दोबारा से न्यू शुरुआत करना चाहता है। लेकिन कुछ लोगों के, मैं कह दूं कि कोई और भी आपकी ज़िंदगी में आने की आगे संभावना है। ये एस ऑफ कप्स बताता है कि बिगनिंग तो होनी है रिश्ते की, पुरानी चीज़ें हटके नए इमोशनल वे से भी जो हैं बिगनिंग होनी है आपकी लाइफ में। दोबारा ये रिश्ता आएगा कुछ लोगों के, और दोबारा नई से वो चीज़ें शुरुआत होंगी, और आपके पर्सन अब आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं, फटाफट से दौड़ के आना चाहते हैं आपके पास। कड़वाहट भले ही किसी ने कितनी भर दी आप, लेकिन आज भी अंधेरे में हो। तो गाइस, आपको क्या करना चाहिए, आपको ही थोड़ा सा पॉजिटिव होना पड़ेगा। अंधेरा आपकी ज़िंदगी से जाएगा, आपके रिश्तों में न्यू बिगनिंग होगी। आपके पर्सन आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इस टाइम वो हील कर रहे हैं अपने आप को, या अपने और आपके रिश्ते को, ताकि एक अच्छा सा मौका देख के आपकी तरफ बढ़े, आपको एक्सेप्ट करें, और पुरानी चीज़ों को डिलीट करके नई चीज़ें शुरू करें। जिस टाइम रिश्ता बिगड़ा था, तब गाइस बहुत बुरी तरह बिगड़ा था, बहुत बुरी बुरी तरह बिगड़ा था, तभी आप इतने परेशान हो, क्योंकि ये फाइव ऑफ ये बताता है कि फाइनेंस का भी लॉस, रिश्तों का भी लॉस, और इमोशनली लॉस। जो इमोशनल डिस्टेंस होता है, वो बनना में टाइम लगता है, इसलिए आपके पर्सन जो है हील कर रहे हैं आपके और अपने रिश्ते को, बैलेंस बना रहे हैं चीज़ों को। तो आप इस एनर्जी में हो, इस एनर्जी से आपको निकलना होगा, इस एनर्जी से आपको निकलना होगा। आपके जीवन में अंधकार जाएगा, क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि वो आपकी लाइफ में फिर दोबारा आएंगे, आपको स्टोक करते हैं, आपका प्रोफाइल चेक करते हैं, और आपको न्याय भी देना चाहते हैं। लेकिन रिश्ते की तो शुरुआत होनी होनी है, न्यू बिगनिंग का कार्ड है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, चलिए देखते हैं ये पर्सन आएगा क्या, आपको इसे दूसरा मौका देना चाहिए।
यस या नो में दो कार्ड निकालूंगी। गाइज आपको इनको मौका देना चाहिए, लेकिन मैं एक बात बता दूं, देखते हैं कब आता है ये पर्सन के आने में, 21 में या 22 में या 23 में। तीन कार्ड निकालती हूँ क्योंकि एनर्जी बड़ी लो है इस पर्सन के। ट्वेंटी वन 22 देखिए गाइस, 23 गाइस ये देखिए, 23 में 21 तो देखिए सारा ही करीब करीब निकल गया, 23 में शुरुआत में भी आ सकते हैं, लेकिन आपकी लाइफ में ये रिश्ता आएगा। दो कार्ड और निकालती हूँ इसके लिए, आपके लिए एडवाइस, आपको क्या करना होगा। पहले ये देखती हूँ कि आपको दूसरा मौका देना चाहिए। दो कार्ड निकाल लूँगी 60-40 के नाम पे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, इसमें दो निकलेंगे, एक ही कार्ड निकलेगा। ये 60% है कार्ड, ये 40% है। 40% लोगों का आ रहा है कि आपको मौका देना चाहिए। अगर आपके रिश्तों की आपको उम्मीद है, आपके पर्सन अच्छे थे, आपको पता है कि उनका कॉल बैक आएगा, तो आपको मौका देना चाहिए 40% लोगों का। अब देखते हैं कि अगर आपकी लाइफ में आ जाते हैं, डिवाइन बताइए, अगर मेरे व्यूअर के पर्सन उनकी लाइफ में आते हैं, चीज़ें से दोबारा से शुरुआत चीज़ें होने की संभावना है या होगी, तो उनको क्या करना चाहिए इस टाइम से, उनको क्या करना चाहिए कि उनकी चीज़ें जल्दी से क्लियर हो और आगे बढ़े। इस टाइम उनको क्या करना चाहिए, 3 साल बाद तो बहुत लेट होगा। ये आपके लिए कार्ड है गाइस, देखो आपका कार्ड जो है ना ये आया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स घोड़े पे बैठा हुआ। अगर आप चाहते हो कि आप रिलेशन की वजह से परेशान हो, प्रॉब्लम में हो और आपकी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, तो आपको ये 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बताता है, क्या बताता है कि आपको सिर्फ उस एनर्जी से, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से निकलकर आपको एम्प्रेस की एनर्जी में आना होगा, एम्प्रेस की एनर्जी में, क्योंकि ये कार्ड ये बताता है कि आपको पॉजिटिव होने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप किसी अपने का इंतज़ार कर रहे हो, तो उसके लिए अपने आप को सुंदर बनाइए, अपने आप से प्यार करिए, अपने फ्यूचर से प्यार करिए, अपने कैरियर और जॉब से प्यार करिए, ताकि आपकी चीज़ें जो है सारी पहले जैसी हो जाए। तो इसलिए ये थी आपकी रीडिंग, जिसमें था कि आपके जीवन में अंधेरा कब ख़त्म होगा। तो गाइस अंधेरा ख़त्म होगा उसके लिए आपको पॉजिटिव बनना पड़ेगा और थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। आपकी इंतज़ार की घड़ियाँ ईश्वर करे जल्दी ख़त्म हो, तो आप बनिए पॉजिटिव और दीजिए अपने ऊपर ध्यान, सुंदर रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने फ्यूचर में ध्यान। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो, जो मैं बेहद दिल से डालती हूँ, आप लोगों की परेशानियाँ और प्रॉब्लम समझ के डालती हूँ, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि नेक्स्ट रीडिंग का नोटिफिकेशन पहुँचेगा आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, जय माता दी और जय भोलेनाथ।